लेकिन आवाज को कैसे दबाया जाता है और कैसे सरेआम चुनाव लड़ने वाले विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को बंधक बनाया जाता है, उनकी निर्मम हत्याएं की जाती हैं, ये नंद तांडव टीएमसी की सरकार में लगातार वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। ये बातें इस बात को साबित। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सीबीआई और पुलिस के बीच छन गई है, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और कोर्ट ने कमिश्नर राजीव कुमार को शिलोंग स्थित सीबीआई कार्यालय में हाजिर होने के आदेश भी दे दिए। लेकिन इन सबके बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित बोकारो के नगेन मोड़ पर उतरेगा। यहां से योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग से पुरुलिया पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को पश्चिम बंगाल में लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद इस जगह को चुना गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बोकारो प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। सोमवार से आला अधिकारियों की बैठक जारी है। खुद भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जगह का मुआयना किया, जहां योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उधर योगी की रैली पर ममता बनर्जी ने कहा है कि पुरुलिया में रैली करने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को रैली करने दो, अपना यूपी तो योगी आदित्यनाथ संभाल नहीं पा रहे। पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन वो यहां बंगाल घूम रहे हैं। उनसे कहिए कि पहले अपना राज्य संभाले। बता दें कि ममता बनर्जी और सीबीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार से चल रहे विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। दीदी, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज पुरुलिया में जलसा कर रहे हैं। करने दो ना, तो हमारा क्या है, आप दिखाओ बादशाह से। उनको बोलो पहले यूपी तो संभाले, पहले यूपी तो संभाले। यूपी में कितना लोगों को मार दिया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना किसान आत्महत्या किया है, कितना यूपी में कितना लोगों को लिंचिंग करके मरा है। पहले यूपी संभाल ले दो, वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो हार जाएंगे। उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। दीदी अपनी रोकपाड़ी एकेबारे राजीव कुमार ने बारी दी। आपको बता दें कि इससे पहले न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के लिए भी बंगाल में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी।